अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब यहाँ बड़े मज़े में हैं। और जनाब मैं मौजूद हूँ यहाँ पर लैंडुडनो बीच पे। इसे एक्चुअली मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ एज अ लैंडुडनो, बट द ब्रिटिश एंड द वेलिश पीपल, मोस्टली द वेलिश पीपल प्रोनाउंस इट एज अ क्लैंडुडनो, डबल एल प्रोनाउंस एज अ सी, सो दे प्रोनाउंस इट एज अ क्लैंडुडनो, बट फॉर अ ईज वी एक्चुअली प्रोनाउंस इन द इंग्लैंड साइड एज अ लैंडुडनो। सो लेट्स स्टिक टू द लैंडुडनो फॉर नाउ। Nail, are you scared of puppy? Nail, लड़ी क्या पूछ रहे हैं? और जनाब इस वक्त ऑलमोस्ट 4:10 हो रहे थे, 4:10 से 4:15 का टाइम था ये, क्योंकि हमें पार्किंग ढूंढते ढूंढते इतना टाइम लगा जिससे कोई हद नहीं। अगर आप वेल्स जा रहे हैं तो पार्किंग के लिए आप तैयार हैं, पार्किंग आपको इसलिए नहीं मिलती। और टू आर सरप्राइज एवरीथिंग गेट क्लोज बाय 5 PM, हमें ये बात पता ही नहीं थी। जब हम वहाँ पहुँच गए तो हमने सर्च किया तो हमें पता चला 5 बजे सब बंद हो जाना है। सो हार्डली हमारे पास 1 घंटा बचा था बस। अच्छा जी, हमारा सबसे पहले प्लान था केबल कार तक जाने का, तो हमने कहा बच्चों के रास्ते से कुछ कैंडीज पकड़ लेते हैं। एंड टू माई सरप्राइज दिस कैंडीज वर फॉर 14 pounds, विच इज पाकिस्तानी 5,000 रुपया। और ये कुछ ग्राम्स नहीं थी, कुछ केजी में नहीं थी, हार्डली देवर फ्यू ग्राम्स। अच्छा जी, हम यहाँ पे जा रहे हैं ऊपर केबल कार में, कितना वो ऊपर है जाना कैसे यहाँ से हमें, और बस देखते हैं पूछते हैं किसी से। और देखें जी यहाँ पे कवे पूरे काले काले, हमारे तो ब्लैक एंड वाइट होते हैं, इंग्लैंड के कवे भी डिफरेंट है। अच्छा जी, आप जो नीचे की तरफ देख रहे हैं इसे कहते हैं पे, बेसिकली इट्स लैंडुडनो पे, इस जगह का नाम है लैंडुडनो पे। और यहाँ पे होते हैं कैफेज एंड डिफरेंट रेस्टोरेंट्स एंड डिफरेंट खाने पीने की जगह, बच्चों के झूले हैं। तो हम यहाँ नहीं गए क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था, हमें बस था कि हम केबल कार से चले जाएं पहले। एंड दिस पे वॉज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पे इन द नॉर्थ वेल। और जनाब यह है केबल कार, और कैंडीज बहुत मज़े की थी, हमने लास्ट टाइम मैनचेस्टर विंटर फेस्टिवल हुआ था वहाँ पे भी ली थी, यहीं से ली बल्कि, बहुत मज़े की थी कैंडीज। दोनों इंडियन लड़के हैं और काफ़ी लोग इंटरेस्ट लगते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है कैंडीज। होपफुली हमारा नंबर आने वाला है अभी आज। हम दूर ऊपर आसमानों में, इट्स कोल्ड हियर, बहुत ठंड है यार यहाँ पे। और आवाजें ऐसा लग रहा है दूर कहीं बहुत दूर से आ रही हैं। अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग वार्निंग के बावजूद हम वहां से वापस आएंगे या नहीं आएंगे। और हम बैठे तो मैं अकेले माँ बेटा नाइल नाइल इज लिटिल बिट स्केयर्ड, बट होपफुली आ जाएंगे क्योंकि बाकी लोग आ रहे हैं वहां से भी, बहुत ठंड है ऊपर यार। और जी यहाँ हम आ गए ऊपर, डैडी एंड ज़ैद इज इन द बैक, वो हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं, अगर नजर आए वहाँ से एक आ रही है अभी केबल कार। अच्छा कुछ खाली खाली भी आ रही है केबल कार, कुछ खाली भी जा रही है यहाँ से, ये देखें जी। डर लग रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा यहाँ ना, फूड ना गिर जाए हमारे। अच्छा लोग जा रहे हैं, वो जो सामने बनी है ना पहाड़ी सी, लोग इसकी पीक पे जा रहे हैं, ये शेर थी नहीं।
के थ्रू। वैसे तो अभी काफी स्मूथ राइड है, लेकिन जब बैठे थे तब जरा समुद्र में स्टार्ट हुई थी, लेकिन अब काफी स्मूथ है। बिस्मिल्लाह, नथिंग विल हैपन, जस्ट काइंड स्ट्राइक बिस्मिल्लाह। रहीम, क्या व्यू है यहाँ से माशाल्लाह। डैडी एंड ज़ैद लोग आ रहे हैं रिटर्न यार, मतलब स्टॉर्म है लेकिन उसके बावजूद आ रहे हैं, सो होपफुली हम भी आ जाएंगे। बड़ा मैंने केयरफुली पकड़ा है मोबाइल, पहले चले मोबाइल नीचे गिर जाए मेरे हस्बैंड का। Yeah, we are going to the end. Yeah, I'll see you. I will be. और जनाब यहाँ हम बादलों में आ गए, इतनी ऊंचाई पर हमें कहीं बादल लेंगे। Nile, you are in clouds at the moment. Can you feel it? No. Yes, these are clouds. Can you see? अगर मैं दिखा सकूँ, कुछ नजर नहीं आ रहा बैक पे। जनाब यहाँ से जो व्यू था नीचे का वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती, इतना ज़बरदस्त, इतना हसीन था कि आप सोच पड़ जाएँ कि अल्लाह ताला की दुनिया कितनी हसीन है। मुझे नहीं पता कि दुनिया में और कौन कौन से हसीन जगह हैं, लेकिन जितनी मैंने अब तक देखी है इनमें से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैड सो फार। और यकीन माने यहाँ हमारा सर ना बादलों के बीच में था, बिल्कुल हम बादलों में थे, मतलब मैं फील कर सकती थी यहाँ पे ठंड थी इस वक्त ऊपर। अच्छा मैं आपको इस केबल कार के बताती चलूँ, केबल कार की जो राइड थी ना ईस्ट साइड ऑलमोस्ट 9 मिनट्स की थी, और दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट केबल कार इन द यूके, और जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है विच इज़ अराउंड 80 फीट फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा जो इसका ऑफिशियल नेम है वो है ग्रेट ऑर्म केबल कार। इसका जो टिकट था वो था अडल्ट का 13 पाउंड रिटर्न टिकट, और 10.5 था आई थिंक बच्चों का टिकट, और अंडर 2 फ्री थे। सामने कुछ नजर नहीं आ रहा, क्या है सामने कुछ पता नहीं चल रहा इस वक्त। वो देखिए नीचे का शीप्स और गोट्स नजर आ रही हैं, शीप्स एंड गोट्स, वो सरसों के खेत जिसमें हमारी पंजाबी फिल्मों के हीरो ने नाचती हैं। अच्छा यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग इशू हुई थी, स्टॉर्म वार्निंग जब आती है क्योंकि इतनी हाई पॉइंट पे है कि अगर स्टॉर्म वार्निंग वाला इशू हुई होते तो ये रोक देते केबल कार को ना, तो यहाँ पे इन्होंने हमें 1-वे टिकट दिया था, यहाँ से हमने कुछ जो रिमेनिंग अमाउंट तो वो दी और फिर हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। अच्छा जो केबल कार है ना ये प्रॉम फ्रेंडली है, अगर आप इसके अंदर लेके जाना चाहते हैं अपनी प्रॉम तो आप लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये है कि अगर 3 से 4 लोग हैं तो आपको स्प्लिट कर देंगे। लाइक मैं और नाइल अलग गए थे, मेरे हस्बैंड ज़ैद और प्रॉम अलग गई थी, क्योंकि प्रॉम का भी वेट है तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर वेट तक आपको अलाउ करते हैं। अच्छा जी हमारा केबल कार का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है, अगर अपने बच्चों को आप लेकर जाना चाहते हैं वेकेशन पे, या फिर आप बच्चों को जब हॉलीडेज आते हैं लेकर जाना चाहते हैं तो ज़रूर लेके जाएं। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस यू विल हैव इन योर लाइफ, क्योंकि जो ऊपर से नज़ारा नजर आता है, जो आप ऊपर जाके फील करते हैं ये लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, तो ज़रूर जाएँ। अच्छा जी यहाँ पे हम आ गए थे जेट बोट की तरफ, यहाँ पे एक जेट बोट चल रही थी और इसका भी टाइम 5 बजे बंद हो जाता है, लेकिन क्योंकि कस्टमर खड़े थे तो वो कुछ जेट बोट में लेके जा रहे थे। वैसे तो हम बोट में काफ़ी दफ़ा बैठे हैं, लेकिन जेट बोट का फर्स्ट एक्सपीरियंस हमारा यहाँ पर, इसके लिए नाइल बहुत एक्साइटेड था कि वो जेट बोट के अंदर बैठ रहा है। अच्छा दाद देखने में शायद यहाँ लग रही हल्की चली, पर दिस वॉज वेरी फास्ट बोट। खैर जनाब इस जेट बोट के अंदर भी मज़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा मेरे हस्बैंड के शोर करने पे आया था। इतना शोर मेरे हस्बैंड का जिससे को हजन के साथ कुछ पीछे से लोग भी लगे हुए थे आवाज़ें निकालने, और मेरा तो हंस हंस के पेट में दर्द हो गया, मतलब कुछ नहीं होता सिर्फ आवाज़ें निकाल रहे थे वो लोग बैठे हुए। अच्छा जो ये राइड थी ऑलमोस्ट 10 मिनट की राइड थी, जिसमें इन्होंने एक लंबा सा चक्कर लगाया था, बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी, बच्चे के जेट बोट में कभी नहीं बैठे तो बहुत खुश होंगे बैठने के बाद, बड़ों के लिए बस सोच हो, मतलब कुछ ऐसे एक्साइटेड चीज़ नहीं है इसके अंदर, एक्सेप्ट डेट कि बोट में बैठे हैं।
अच्छा जी, उसके बाद सब कुछ बंद हो गया तो हम यहाँ खाना आ गए थे, क्योंकि पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। और जी यहाँ पे आपको मैं बात बताऊँ, यहाँ पे खाना ढूंढना एक मरहला है। वेल्स में हलाल फूड नहीं अवेलेबल है, मतलब हलाल फूड ढूंढना ऐसे ही है जैसे आप आबे हया ढूंढें इस दुनिया में। और एक्चुअली लकीली यहाँ पे हमें एक हलाल रेस्टोरेंट मिल गया था जो आज ही ओपन हुआ था। इससे पहले टेक अवे ऑर्डर ले रहे थे ये लोग, इस तरह से ना डाइन इन नहीं करवा रहे थे। एंड एक्चुअली प्लीज़ बी माइंडफुल, क्योंकि यहाँ पे आपको हलाल खाना नहीं मिलता, वेजिटेरियन भी खाना नहीं मिलता। मतलब हलाल खाना कैसे मिल रहा है आपको, जहाँ पे नॉन वेज और वेज एक साथ फ्राई हो रहे हैं वहाँ पे ये कहते हैं जी वेज है, आप आके वेज ले लें यहाँ से। तो ऐसा नहीं होता, जहाँ पे हराम खाना बन रहा है एक ही पॉट में उसमें हलाल खाना नहीं खाया जा सकता। अच्छा, यहाँ फिश एंड चिप्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये वो अवेलेबल है जिसके अंदर अल्कोहल ऐड है, मतलब फिश के मिक्सचर के अंदर अल्कोहल डला हुआ था। तो मेक श्योर करें जहाँ से आप ले रहे हैं फिश एंड चिप्स या जहाँ से आप खा रहे हैं, आप उनसे मेक श्योर 100% करें कि यार ये हलाल फूड है या वेजिटेरियन है या नहीं है। अच्छा जी, हमारा आ गया है बर्गर, आ गए हमारे काफ़ी पिद्दू पिद्दू से बर्गर है। मैं सही नॉर्मल कौन सा है, स्पाइसी कौन सा, नॉर्मल कौन सा, स्पाइसी कौन सा? ये नाइल का है, ये नाइल का ये दे रहे फ्रूट शॉट उसको दे रहे बर्गर है, स्पाइसी लग रहा है थोड़ा, दे रहे तो ये फ्राइज। अच्छा जी, अराउंड 30 मिनट की वेट के बाद हमारा मील आया था। इसमें दो स्पाइसी बर्गर थे, एक नॉर्मल बर्गर था और एक फ्रेंच फ्राइज था लार्ज पोर्शन। और ये हमें पड़ता 30 pounds का, विच इज़ अराउंड 10,600 पाकिस्तानी रुपीस। दिस इज़ सो एक्सपेंसिव हेयर, मतलब पूछे मत। अच्छा जी, वाइल हैविंग अ लंच मैंने यहीं पे बैठे बैठे ना एक एयरबीएनबी जगह बुक करा ली थी रहने के लिए, और हमारा प्लान था कि रात को वहाँ रुकेंगे और इंशाल्लाह फिर सुबह जाके ना देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि बच्चे बहुत टायर्ड हो गए तब तक ना। इस वक्त अराउंड 7:30 बजे का टाइम था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखेंगे और मुझे अपने दुआ में याद रखेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।